अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ब्लॉग। आज हम वर्क करने वाले हैं एटम यानी कि तेजगाम लाहौर से मुल्तान तक। मौसम काफ़ी अच्छा है, मेरे पीछे लाहौर रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग आप देख सकते हैं, काफ़ी साफ सुथरा मौसम है। चलते हैं, ट्रेन तकरीबन राइट टाइम है तो चलते हैं अपनी ट्रेन की तरफ। इनकमिंग 8 डाउन इंजन 4570। एटाउन की ट्रेन सर्विसेज आ चुकी हैं, लेकिन अभी हमें वेट कर रहे हैं अपना इंजन का। देखिए इंजन कौन सा आता है और उसके साथ ड्राइवर साहब कौन से जाते हैं, वहाँ हम बाद में वेट करेंगे। फिलहाल सर्विसेज आ रही हैं, हम जा रहे हैं इंजन ड्राइवर से मिलने। इन्हीं पत्थरों पे जलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। ये जो शेर है ये गार्ड्स पे पूरा पूरा फिट आता है। जब ट्रेन ख़राब हो जाए, जब वर्किंग करनी हो, हमें इन्हीं पत्थरों पे जलना पड़ता है। ड्राइवर साहब से मिल के आ चुके हैं और शंट हमारा हो रहा है। अभी बैग सर्विसेज अटैच हो रही हैं एटाउन की लाहौर से यानी कि तेजगाम की। तो अब हम चलते हैं अपनी ब्रेक की जानेब और शुरू करते हैं कार्रवाई। जी व्यूअर्स, लाहौर से हमारा डिपार्टमेंट हो चुका है और हम तकरीबन 15 मिनट लेट चले हैं लाहौर से। मौसम आज काफ़ी खुशगवार है, बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की सी हवा चल रही है। आज हमारी जो ट्रेन है वो तेजगाम है, एक दफ़ा मैं दोबारा बता दूँ। और इस टाइम हम डिपार्चर कर रहे हैं लाहौर से, 15 मिनट लेट चली है, तो वो देखते हैं कि आज का हमारा ट्रेन कैसा रहता है। एक बज के 45 मिनट पर हमारा डिपार्चर हुआ था लाहौर स्टेशन से और इस टाइम हम पहुंच रहे हैं लाहौर कैंट स्टेशन। यहां से हमारा सीधा जो पहला स्टॉप होगा वो रायगढ़ स्टेशन होगा, तो हम अगर आपको दिखाएंगे। उसके बाद से तमाम स्टॉपेज में रायगढ़ के बाद कतौली के बाद अखाड़ा, अखाड़ा के बाद साईलाल, जीजावली, मियाँचनू, के बाद खानेवाल, खानेवाल के बाद सीधा हम पहुँचेंगे इन शाला अपने डेस्टिनेशन यानी कि मुल्तान। हमारे साथ रहिए और जानते रहिए। ये जो सामने आपको फैक्ट्री नज़र आ रही है ये लाहौर की डीको फैक्ट्री है। किसी ज़माने में इसका बहुत नाम होता था, लेकिन आजकल ये बंद पड़ी हुई है। लीजिए जनाब, हम पहुंच चुके हैं रायगढ़ स्टेशन। मौसम काफ़ी खुशगवार है यहाँ पर और यहाँ पे हमारा क्या होगा 5 मिनट का।
चलती ट्रेन पे सवार होना या उससे उतरना इतना खतरनाक नहीं समझा जाता, लेकिन भाईजान सिर्फ एक लम्हे का 16वां हिस्सा लगता है किसी भी हादसे के होने में, और उसके बाद सारी ज़िंदगी की मजदूरी जो है ना वो इंसान का मुकद्दर बन के रह जाती है। चलती ट्रेन से बंदा 100 मरतबा उतरता है, 100 मरतबा उस पर सवार होता है, लेकिन गिरता है सिर्फ एक मरतबा ही। और हमारे जो आज तक के तजर्बात हैं उनमें 99.99% जो होता है ना वो गिरना पहली और आखिरी मरतबा का साबित होता है। अभी आपने पीछे वीडियो में देखा कि एक भाईजान जो है चलती ट्रेन से, यानी कि स्पीड काफ़ी बहुत ज़्यादा थी उसकी, लेकिन वो जनाब चलती ट्रेन से उतरे हैं, ज़रा सा पांव स्लिप होता तो ये इनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। तो एहतियात कीजिए, अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदार जानने वालों को समझाइए कि बराए मेहरबानी इस किस्म की हरकत से गुरेज करें जो आपकी सारी ज़िंदगी माजूरी का मौजे बन सके। बहुत शुक्रिया। ये है जी कंटेनर्स की, ये यहाँ पर रैबिट स्टेशन के साथ बनाए गए ड्राई पोर्ट, और बहुत ही प्यारा नाम है इसका स्टेशन का, इसको कहते हैं प्रेम नगर। फिल्मों में आपने काफ़ी नाम सुना होगा, अब हकीकत में भी देख लीजिए। तो अभी हम गुजरे हैं छांगा मांगा के जंगल से। ये पाकिस्तान में बाकायदा हाथ से लगाया गया सबसे बड़ा जंगल है, जिसके कई मकासद थे, जिनमें से एक माहौल दोस्ती और दूसरा ज़रूरत के तहत ईंधन की फरामी। आपको याद होगा कि पहले स्टीम इंजन चला करते थे जिनमें कोयला और लकड़ी वगैरह इस्तेमाल होती थी, तो इस जंगल को लगाने का एक मकसद ये भी था ताकि पाकिस्तान रेलवेज़ के लिए लकड़ी की फरामी को यकीनी बनाया जाए, कोयले की फरामी को यकीनी बनाया जाए। ज़रूरत इस अमर की है कि माहौल दोस्ती के लिए अब इस जंगल को वसअत दी जाए और मज़ीद मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ जहाँ गुंजाइश मौजूद है इस किस्म के जंगल लाजमी लगाने चाहिए, जिनसे ना सिर्फ ये कि कीमती लकड़ी हासिल हो सकती है बल्कि पाकिस्तान की जो माहौलियाती तब्दीलियाँ, मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं उन पे भी काबू पाया जा सकेगा। की 2 मिनट स्टॉप करने के बाद हम पहुंचे अपने अगली मंजिल यानी कि ओकाड़ा स्टेशन पर। ओकाड़ा स्टेशन की सबसे मशहूर चीज़ नौलखी कोटी, अगर किसी ने नावल पढ़ा है तो कमेंट्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने तासुरात, बेहतरीन नावल है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको मैं रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि लाजमी पढ़ें। अगर आप अदब से शुगब रखते हैं तो इस नावल को मिस मत कीजिए। लीजिए जी, यहाँ पे हमारा स्टॉप होगा सिर्फ 2 मिनट का, और 2 मिनट के बाद इंशाल्लाह हम अपनी अगली मंजिल या अगले स्टॉप साहिवाल की तरफ रवाना हो जाएंगे। ओकाड़ा का स्टेशन जो है ये बहुत खूबसूरत कदीम और जदीद की अमेजिश तर्ज तमीर की अमेजिश से बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत स्टेशन है। आई पर्सनली लाइक इट।
इसके अलावा यहाँ पे स्टेशन पे ग्रीनरी भी काफ़ी ज़्यादा है। ये एक ओल्ड कैबिन है जो कि अब बंद हो चुका है क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं, ऑटो ब्लॉक सिस्टम यहाँ पर लग चुका है, लिहाजा कैबिन्स और कैबिन मैन की ज़रूरत नहीं रही। लीजिए जनाब, हम पहुँच चुके हैं इस टाइम अखाड़ा स्टेशन पर। 2 मिनट के स्टॉप के बाद दोबारा आपसे मुलाकात करते हैं। जी जनाब अली, तो हम पहुंच चुके हैं यूसुफवाला स्टेशन। यूसुफवाला एक स्टेशन पहले साहिवाल से, इसके बाद हमारा अगला स्टॉप आ जाएगा साहिवाल का। जनाब अली, तो हम पहुंच चुके हैं अपने प्यारे से शहर साहिवाल। इसका पुराना नाम तो मिंट गुमरी था, लेकिन इसका नाम साहिवाल क्यों पड़ा ये मैं जानना चाहता हूं। जो अहबाब जानते हैं काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लीजिए जनाब एवं, साहिवाल से चलकर हमारा अगला पड़ाव यानी कि चीचावतनी आ चुका है। यहाँ पे भी हमारा क़याम सिर्फ 2 मिनट का है, इसके बाद इंशाल्लाह हम अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना होंगे। ये जनाब अली मूसा का चीचावतनी से डिपार्चर कर रही है और हमारा भी डिपार्चर का टाइम हो चुका है, हम चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। अली, तो मियां जनू से हमारा डिपार्चर हो चुका है और माशाल्लाह माशाल्लाह गाड़ी बिल्कुल हमारी राइट टाइम है। मियां जनू के बाद राजपूत नगर डेरा ताज, हमारा अगला स्टॉप जो आएगा वो खाने वाल 5 मिनट का होगा।
खानेवाल से चल के हम रियाजाबाद पीरा गैप से होते हुए जाके अपनी मंजिल मकसूद यानी कि मुल्तान पर रुकेंगे, वहाँ रेस्ट करेंगे और अगली गाड़ी लेकर वापस चले जाएंगे लाहौर। तो गाइस ये बताओ मौसम कैसा है? मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है आज, किसी पंखे वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है, कमाल का मौसम है। बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की सी जो है वो ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और कहीं कहीं पे हल्की हल्की फवार भी पड़ रही है। बूंदाबांदी का सिलसिला कहीं कहीं जारी है, सुना है तमाम मुल्क में तकरीबन ऐसे मौसम चल रहा है। तो हम इस वक्त गुजर रहे हैं मियाँ चनू के मज़ाफात से और बढ़ रहे हैं अपनी अगली मंजिल के जाने खानेवाल। यहाँ से तकरीबन आधा घंटा लग जाता है खानेवाल पहुँचने में और वहाँ से तकरीबन 45 मिनट का रन टाइम है मुल्तान तक का। चलिए मिलते हैं आपसे अगले स्टॉप पर। जी जनाबी अली, हमारा खानेवाल आ चुका है और हमें कर दिया गया आउटसाइड, मेरे ख्याल गाड़ी रिसेप्शन होगी। चलें तब तक, जब तक सिग्नल डाउन नहीं होते हम यहीं पे खड़े होकर वेट करेंगे। खानेवाल से एक ये मेन लाइन गुजर रही है जो कि साहिवाल से आ रही है और सीधी जाती है मुल्तान, मुल्तान से लोधना और लोधना से फिर आगे कराची की तरफ निकल जाती है। दूसरी लाइन जो है एक जहानिया जा रही है, जहानिया आगे जाके फिर लोधना से मिलती है। तीसरी तरफ जो लाइन निकल रही है वो शोरकोट है, शोरकोट से फैसलाबाद, फैसलाबाद से लाहौर। मेन लाइन बताते खुद रावलपिंडी लाहौर से होती है, साहिवाल, साहिवाल से खानेवाल आ रही है। तो इस तरह एक बहुत बड़ा हब है ये रेलवे में ट्रांसपोर्टेशन का। दूसरा बड़ा हब अगर कहा जाए तो वो लोधना है, क्योंकि वो एक बड़े इलाके को कवर करने वाला जंक्शन है। ये सिग्नल डाउन हो गया और अब हम एंटर होने लगे खानेवाल में। ये सामने जो बजरी नज़र आ रही है इसको बैलेंस कहते हैं, ये रेल की पटरियों में डालने के काम आती है। रेल की पटरियों में बजरी ये बैलेंस क्यों डाला जाता है इस पे फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल हम एंटर हो रहे हैं खानेवाल में और ये सामने आपके नज़र आ रहा होगा लोको शेड मुल्तान। ओल्ड लोको शेड था, यहाँ पे इंजन वगैरह जो लंबे सफ़र करके आते थे उनकी ट्यूनिंग मरम्मत वगैरह की जाती थी और फिर उन्हें दोबारा अगले सफ़र के लिए तैयार किया जाता था। अब नया शेड बन चुका है और सारा काम वहां पे होता है। सामने टर्न टेबल है, यहाँ पर बिल्कुल सामने जहाँ पर इंजन का रुख तब्दील किया जाता है। ये देखिए जी, आपको टर्न टेबल नजर आ रहा होगा। बाई तरफ ये जो लाइन नजर आ रही है ये सीधी लोको शेड जाती है, वहीं से इसी लाइन से इंजन लोको शेड जाते हैं, लोको शेड से वापस मेन लाइन पे आते हैं वर्किंग के लिए।
सिग्नल सी जी पावर 7225 रेडी है कंटेनर स्पेशल के लिए। और हमारी रिसेप्शन की गई है एक नंबर प्लेटफॉर्म पर। अगला स्टेशन मुल्तान है, तो ये टाइम है कि हम अपना सारा सामान सेट लें और अगले ड्राइव साथ के लिए तुम जाए। आने वाले से 5 मिनट के स्टॉप के बाद हम चल पड़े अपनी अगली मंजिल मुल्तान की जानेब। और मुल्तान की सबसे बड़ी निशानी ये है कि अब हाई के हल्के थोड़े थोड़े फासले पे बागात शुरू हो चुके हैं, जिनमें आम के दरख्त बिलखसूस काफ़ी अच्छी तादाद में मौजूद हैं। मुल्तान का आम खास तौर पर सफ़ेद चौंसा वैसे ही सारी दुनिया में मशहूर है और बेहतरीन किस्म का आम यहाँ पैदा होता है। अज़ान मगरिब हो रही है, शाम की सुर्खी उफक पर फैल चुकी है और हम दाखिल हो रहे हैं इस टाइम मुल्तान कैंट स्टेशन पर। लोको शेड आ चुका है, यहाँ से हमारे साथ चार्ज देंगे अब्दुल कदीर साहब और आगे वर्क करेंगे इस ट्रेन को रोड़ी तक। हमारा यहाँ पर सफ़र इस ट्रेन के साथ तमाम हुआ। अब्दुल कदीर साहब जिनको हम चार्ज देंगे अगला और यहाँ से हम रुख्सत लेंगे। कैसे हैं सर, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम जी, ये डाउन तेज़गाम अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना हो चुकी है और हम जा रहे हैं रनिंग रूम आराम करने। यहाँ से सुबह नेक्स्ट ट्रेन पकड़ेंगे और वापस जाएंगे। ये जनाब अब्दुल कदीर साहब जो कि अब वर्क करेंगे इसको मुल्तान से लेकर रोड़ी तक। यहीं पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र बखैर तमाम शुद्ध। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, याद करते रहिए, याद आते रहिए नेक तमन्नाओं के साथ, दुआओं के साथ, सबों के साथ। भले भी लॉन्ग तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।